बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हंस रहे, मुस्कुराते रहे। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं नेक दुआओं के साथ। तो व्यूअर्स, फजर की नमाज़ पढ़ के सो गए थे, तो आज हम सब घर में थे, इकट्ठे थे, तो बोले सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। तो कमरे का हाल भी बहुत बुरा बना हुआ था, शायद पीछे आपको नज़र भी आ रहा है। तो पहले ये कि मैंने कहा चलें आज का जो हमारा नाश्ता होता है आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारे घर में कितना ज़्यादा नाश्ता किया जाता है और कैसे नाश्ता किया जाता है। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें। क्या उसके बाद मैं किचन में आ गई, तो मैं उसके बाद नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने यहाँ पे पेड़ बना के रख लिए थे, तो यहाँ पे मैंने रोटी बेलना शुरू कर दी है। तो अच्छा, ये वाला जो पराठा मैं बाल वाला बना रही हूँ, पहले स्टार्टिंग में मुझे नहीं आते थे बाल वाला पराठा बनाना, और मुझे इतना होता था कि सब यार बाल वाला पराठा बना लेते, पर मुझसे क्यों नहीं बनता है। आहिस्ता आहिस्ता इतना अच्छा बनाना आ गया मुझे, और सारे तारीफ़ें करते हैं कि बहुत अच्छा बाल वाला पराठा बनता है, बिल्कुल बाजार जैसा, और बहुत ही अच्छा आता है, इतना मज़े का और इतना खस्ता खस्ता लगता है ना। और इसका आपको मैं स्टाइल दिखाती हूँ, इसको मैं बनाती किस तरह से हूँ। काफ़ी अलग अलग तरीके, अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, कभी मैं कौन सा तरीके से बनाती हूँ, कभी कौन से, लेकिन ये वाला बहुत ज़बरदस्त है और बहुत आसान है। इससे बल इतने अच्छे आते हैं और इतना मज़े का लगता है। यहाँ पर मैंने बल देख लिया आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पर मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे सारे पराठे इकट्ठे पेड़े बना के रख देंगे, उसके बाद बेलना शुरू करेंगे, पराठे को बाद में बनाएंगे। यहाँ पे जी पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं, पेड़े बना के रख दिए हैं, उसके बाद पराठे बनाना शुरू कर दिए। मैंने साथ साथ बेल रही थी और साथ साथ बना रही थी, और इतना मज़ा आता है ना नाश्ता जब सब इकट्ठे करते हैं। और कहते हैं ना कि सब इकट्ठा नाश्ता करें या सब इकट्ठा खाना खाए, तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है। और हमारा ये होता है कि बिल बहुत ज़्यादा इकट्ठा, जब हम सब इकट्ठा नाश्ता करते हैं बहुत मज़ा आता है सब। और यहाँ पे छोटे बड़े सब इकट्ठे थे, तो कुछ दिन ऐसा होता है जो बंदा जो है मिल के नाश्ता करता है। वैसे तो अलग अलग टाइम होता है, कोई कौन सा टाइम होता है, किसी का कौन सा टाइम, तो कभी कभी कुछ दिन ऐसा आता है या कुछ मौके ऐसे आते हैं जहाँ बंदा मिल के जो है इकट्ठा खाना खाता है या इकट्ठे नाश्ता। लेकिन हम यहाँ अक्सर ऐसे होता है कि हम इकट्ठे मिल के नाश्ता करते हैं, और बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए जी, पराठा बन के रेडी हो चुका, इतना मज़े का और इतना कड़क कड़क लग रहा था, इतना ज़बरदस्त पराठे लग रहे थे। ये अलग अलग ये दरमियान वाले इतने मज़े के खस्ता और कड़क कड़क लग रहे थे, और कुछ कड़क खाते और कुछ। यहाँ पे नाश्ता तकरीबन बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अभी चाय बना रही थी, तो नाश्ता तकरीबन बन के रेडी हो चुका था। तो मैंने कहा चले अपने व्यूअर्स को बोलती हूँ आ जाए, अगर आपने भी हमारे साथ नाश्ता करना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाए इकट्ठा मिल के नाश्ता करते, नहीं तो फिर हम अकेले अकेले नाश्ता करते हैं सब मिलके। तो इसी तरह मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।